Oh. हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिपल सेवन चार्ली तो ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म का जो हिंदी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु ये सभी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर मैं डिटेलिंग में बातचीत करने वाला हूँ इसके अलावा प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की जाएगी

हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम इन सभी वर्जन्स में फिल्म को डब्ड किया गया है इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के राजबी बी शेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली इसके अलावा रक्षित सेट्टी संगीता श्रृंगेरी राजबी शेट्टी दनिश सेठ सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सारवरी बॉबी सिमहा एच जी सोमेश्वर राव भार्गवी नारायण गोपाल कृष्णन देश पांडे दिनेश मंगलोर अभिजीत महेश अनिरुद्ध महेश विजय विक्रम सिंह बेंगलुरु नागेश सलमान अहमद हारिनी सिद्धार्थ भट्ट परणिया पी राव धनराज शिव कुमारन और किरण राज के एकाएक केमीओपीस है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी किए हुए अरविंद कश्यप ने एडिटिंग की हुए प्रतीक सेठ्टी ने जहाँ पे फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट यानी कि ये फिल्म दो घंटे चौवालिस मिनट के आसपास की देखने को मिले मिलेगी वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूज़िक की बात करें तो नोबिन पोल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा जहां पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परमवा म्यूज़िक और डिवो के पास है सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे जी गुप्ता और रक्षित सेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमारन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन को यूएफओ एफ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कार्तिक सुब्बाराज ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इसके अलावा कन्नडा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कनाडा इंडस्ट्री की इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस, इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बातचीत प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें सितंबर 2017 में रक्सी सेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवा स्टूडियो के नीचे जो उनका ही बैनर है उसका नाम था ट्रिपल सेवन ली जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिक्की और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले हैं जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका और अक्षय शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ ही में उन्होंने पहली बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नडा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ जो है जो इमोशन है जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी जहाँ पे लेबरा डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है नाम दिया हुआ है चार्ली उसको करीबन तीन तीन वीक की ट्रेनिंग दिया दिलवाई गई थी और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नज़र आए तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी जहाँ पे कई अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था संगीता श्रृंगेरी तानिस जेड बॉबी सिम्हा ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन सत्ताईस सौ जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू राजबी शेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई दो में ज्वाइन किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कनाडा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका केमी अपीरेंस देखने को मिलेगा फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो आठ जून 2018 को स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म के साथ अवन श्रीम नारायणा कर एक फिल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पेन इंडिया फिल्म ही थी उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बारी बारी से अलग, अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेशपुर मैसूर बेंगलोर अलग अलग, 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 अलग लोकेशन पर स्टार्ट की गई थी शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था उन्होंने नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो सभी चीज़ों को मोन्टास शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सेट्टी के बीच के जो कनेक्शन है बॉन्ड है उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग गोवा गुजरात राजस्थान पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को मार्च दो तक करीबन सौ दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा उसके बाद छः सात महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर दो को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और काश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था सिक्वेंस को कुछ सिक्वेंस को वहां शूट किया गया था जो शूटिंग है बीस नवंबर दो में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर दो सॉरी दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्षित शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार बार डिले हो रही थी फिल्म की शूटिंग कई जगह पे रिज्यूम करने के लिए बार बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजन्स के चलते अनप्लेसेंट वेदर वेदर के चलते काश्मीर की शूटिंग बार बार डिले हो रही थी और इसी रीजन के चलते फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था पूरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में करीबन एक दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल्स कैन क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में एक दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कराना करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड नाइन्टीन की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी रुकी हुई थी तो अलग अलग रीजन के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा फिर से रिज्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर दो तक कंप्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे उनतीस जनवरी दो को इस फिल्म के प्रोडक्ट का, का काम करीबन नाइन्टी कंप्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे में फास्ट चल रहा था जिसके चलते फिल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है करीबन 200 सौ वॉयज ओवर आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है पचास कैरेक्टर्स के, के लिए पाँच लैंग्वेज के लिए तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिल पाए वही वजह से फिल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन प्रोड� में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था जहां पे ये फिल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में पोस्टपोन की गई म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में जहाँ पे कनाडा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है बाकी सभी चार लैंग्वेज़ में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है तो कनाडा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने सिंग थे विजय प्रकाश दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइयस पोई पंडर ने जिसके सिंगर है धीति लोधितकर तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने सिंगर है जेसी गिफ्ट और अभिनंदा भिस यहीं पे चौथा गाना है सहापाती जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने वहीं पे उसके गा सिंगर है अरणा सेट्टी पूजा राव मेघना कुलकर्णी और जोशी इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नगा शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवाने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है वहीं पे बाकी सभी वर्जन में चार चार सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ कनाडा वर्जन में देखने को मिलेगा तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है जिसके राइट्स परमवा म्यूज़िक और डिवो के पास है ये इन गानों को 2020 हज़ार बीस से इक्कीस में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज़ किया गया था तो फ़िलहाल में आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पर ऑफिशियली ट्रिपल चार्ली के नाम से सुन सकते हो परमवा म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं चार्ली जो डेब्रा डोग इस फिल्म में किटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संगीता श्रृंगेरी ने देवी का आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है राजवी शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डोग लवर का रोल दिया गया एच जी सोमेश्वर को टी स्टोल ओनर का रोल दिया गया भार्गवी नारायण को टी स्टोल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कृपाकर का रोल प्ले किया हुआ है

दारू पिया बियर पिया और वापस हो गया वही सब चीज़ें रूटीन चलती आ रही है उसकी उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए ना तो वो कि लव या केयर ऐसी कोई चीज़ें उनके लाइफ में देखने को नहीं मिलती है किसी एक दिन लेबराडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है अब उसके बाद में क्या होगा चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है आगे वो फिल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है उसका मेन रीज़न क्या है एग्जैक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के इमोशनल सीन्स काफ़ी हेवी है काफ़ी बेहतरीन है रक्षित सेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है उनका एरोगन पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है अपने करियर का वन ऑफ़ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन प्रेजेंस डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नज़र आ रहे थे वो भी शर्मा ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नजर आया राजवीर शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे उनका किरदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है वो बढ़िया तरीके से चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आती है इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षय शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है स्टोरी के वाइज देखे तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा स्टोरी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है थोड़ी खींची हुई नजर आती है संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं जो सेकेंड हाफ़ में कुछ सीन्स आपको इन लॉजिकली भी देखने को मिलेंगे उसको भी सुधारा जा सकता था डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से एक गुड इमोशनल स्टोरी नेरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मजा देगी वहाँ पर आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे एक मैसेज अच्छा मिलेगा साथ ही में कॉमेडी फिल्म की अच्छी है जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता तो फिल्म करीबन ढाई सवा दो घंटे की होती दो घंटे बीस पच्चीस मिनट की तो ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती पंद्रह बीस मिनट जितना कम से कम फिल्म को कम किया जा सकता था इसके अलावा फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था नोबिल फोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ इमोशनल कॉमेडी ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था एडिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी कुल मिला बात करें तो ट्रिपल सेवन चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है जो लोग लव करते पेट्स को लव करते या इस फिल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे यानी कि कुछ सीन्स फिल्म के हैं लंबे खींचे हुए उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फिल्म काफ़ी बेहतर है आपको ज़रूर पसंद आने वाली है फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था जहाँ पे फिल्म को एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज 2 जून 2022 को दी गई थी इक्कीस इंडियन सिटीज़ में जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को जिनके पास पेट है उनके लिए जहाँ पे दिल्ली अमृतसर जयपुर मुंबई कोची चेन्नई पुणे में रखी गई थी 6 जून को हैदराबाद अहमदाबाद नागपुर सोलापुर तिरुवंतपुरम वाराणसी और कोयम्बतूर में रखी गई थी वहीं पे कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी तो इस तरह से अलग अलग दिन के ऊपर फिल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज रखी गई थी जिसके चलते एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और दस जून को जब फिल्म रिलीज हुई तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फिल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई और फिल्म को उनका सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पिन इंडिया फिल्म के हिसाब से लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सभी लैंग्वेजेस में जहां पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था 15000 वोट आईएमडीबी पे मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल थी जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफी लंबा रन लिया 50 दिनों से ज्यादा का लंबा रन लेने के बाद फिल्म ने करीबन 20 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो हंड्रेड करोड़ करने वाली रक्सी शेट्टी के करियर की पहली फिल्म साबित हुई साथ ही में कनाडा इंडस्ट्री की जब ये फिल्म रिलीज हुई उस टाइम की पाँचवीं ऐसी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई जिसने कनाडा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो जहाँ पे पाँचवीं ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो इतनी बढ़िया तरीके से फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फिल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के अब हम ओ के ऊपर बातचीत करें सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी वो वुड सिलेक्ट के पास है तो वोट वालों ने इस फिल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए जहाँ जहां पे उन्होंने सभी वर्जन को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे कन्नडा मेन लैंग्वेज है बाकी सभी डब्ड वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी हो तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी ट्रिपल सेवन चार्ली जो 2022 की पेन इंडिया कन्नडा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इसे एक पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था जहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म को सूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम इन सभी वर्जनस में फिल्म को डब्ड किया गया है इस फिल्म का स्टोरी एरिए वो किरण राज के का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के राजबीर शेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली इसके अलावा रक्षित शेट्टी संगीता श्रृंगेरी राजबी शेट्टी दनिश सेठ सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सारवरी बॉबी सिम्हा एच जी सोमेश्वर राव भार्गवी नारायण गोपाल कृष्णन देश पांडे दिनेश मंगलोर अभिजीत महेश अनिरुद्ध महेश विजय विक्रम सिंह बेंगलुरु नागेश सलमान अहमद हारिनी सिद्धार्थ भट्ट पारणिया पी राव धनराज शिव कुमारन और किरण राज की के एकाएक केमीओपीस है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद कश्यप ने एडिटिंग की हुई प्रतीक सेठ्टी ने जहाँ पे फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट यानी कि ये फिल्म दो घंटे चौवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिले मिलेगी वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पोल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म के जो साउंड रेक है उसके राइट्स परमवार म्यूजिक और डिवो के पास है सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे जी गुप्ता और रक्षित सेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज़ के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमारन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन को यूएफओ uh, पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कार्तिक सुब्बाराज ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इसके अलावा कन्डा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कनाड़ा इंडस्ट्री की इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बातचीत प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर सितंबर 2017 में रक्षी शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवा स्टूडियो के नीचे जो उनका ही बैनर है उसका नाम था ट्रिपल सेवन चार्ली जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिक्की और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका और अक्षय शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ ही में उन्होंने पहली बार एक बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नडा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है जो इमोशन है जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी जहाँ पे लेबरा डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है नाम दिया हुआ है चार्ली उसको करीबन तीन तीन वीक की ट्रेनिंग दिया दिलवाई गई थी और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नज़र आए तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी जहाँ पे कहीं अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था संगीता श्रृंगेरी तानिस जेठ बोबी सिमहा ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन सत्ताईस सौ जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू राजी सेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई 2018 में ज्वाइन किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कनाडा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका केम्यो अपीरेंस देखने को मिलेगा फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो आठ जून 2018 को स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म के साथ अवन श्रीमारायणा करके एक फिल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पेन इंडिया फिल्म ही थी उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेशपुर मैसूर बेंगलोर अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था उन्होंने नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो सभी चीज़ों को मोन्टास शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सिट्टी के बीच के जो कनेक्शन है बॉन्ड है उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग गोवा गुजरात राजस्थान पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को मार्च दो तक करीबन सौ दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा उसके बाद छः सात महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर दो को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था था। उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था सीक्वेंस को कुछ सीक्वेंस को वहाँ शूट किया गया था जो शूटिंग 20 नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर 2000 सॉरी दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्स शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार बार डिले हो रही थी फिल्म की शूटिंग कई जगह पर रिज्यूम करने के लिए बार बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजंस के चलते अनप्लेसेंट वेदर वेदर के चलते काश्मीर की शूटिंग बार बार डिले हो रही थी और इसी रीजन के चलते फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करने में करीबन एक दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल स्कैंड क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में एक दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कराना करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड नाइन्टीन की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी रुकी हुई थी तो अलग अलग रीजन के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा फिर से रिज्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस तक कम्प्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे उनतीस जनवरी दो को इस फिल्म के प्रोडक्शन का, का काम करीबन नाइन्टी कंप्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे में फास्ट चल रहा था जिसके चलते फिल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है करीबन 200 सौ वॉयस ओवर आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है पचास कैरेक्टर्स के, के लिए पाँच लैंग्वेज के लिए तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिल पाए वही वजह से फिल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन प् में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था जहां पे ये फिल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में पोस्टपोन की गई म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में जहाँ पे कनाडा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है बाकी सभी चार लैंग्वेज इसमें डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है तो कनाडा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने सिंगर थे विजय प्रकाश दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइयस पोई पंडर इकल ने जिसके सिंगर है दीति कर तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने सिंगर है जेसी गिफ्ट और इभिनंदा यहाँ यहीं पे चौथा गाना है सहापाती जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने वहीं पे उसके गा सिंगर है आरणा सेट्टी पूजा राव मेघना कुलकर्णी और जोशी इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नगार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम ने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है वहीं पे बाकी सभी वर्जन में चार चार सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्ज़न में नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ कनाडा वर्जन में देखने को मिलेगा तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है जिसके राइट्स परमवा म्यूज़िक और डिगो के पास है ये इन गानों को 2020 से इक्कीस में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज़ किया गया था तो फ़िलहाल में आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पर ऑफिशियली ट्रिपल सेवन चार्ली के नाम से सुन सकते हो परमवा म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं चार्ली जो लेबरा डोग इस फिल्म में किटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संगीता श्रृंगेरी ने देवी का आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है राजवी शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया है दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया है सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया है बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग लवर का रोल दिया गया है जी सोमेश्वर को टी स्टॉल ओनर का रोल दिया गया भार्गवी नारायण को टी स्टॉल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया है गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कृपाकर का रोल प्ले किया हुआ है जो

दारू पिया बियर पिया और वापस हो गया वही सब चीज़ें रूटीन चलती आ रही है उसकी उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए ना तो वो कि लव या केयर ऐसी कोई चीजें उनकी लाइफ में देखने को नहीं मिलती है किसी एक दिन लेबराडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है अब उसके बाद में क्या होगा चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है आगे वो फिल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है उसका मेन रीज़न क्या है एग्जैक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के इमोशनल सीन्स काफ़ी हेवी है काफ़ी बेहतरीन है रक्षित शेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है उनका एरोगेंट पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है अपने करियर का वन ऑफ़ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन प्रेजेंस डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नज़र आ रहे थे वो भी शर्मा ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नज़र आया राजबी शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे उनका किरदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है संगीता श्रृंगे ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है वो बढ़िया तरीके से चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में आ... धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नज़र आती है इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षित शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है स्टोरी के वाइज देखे तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा स्टोरी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है थोड़ी खींची हुई नजर आती है संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं जो सेकंड हाफ में कुछ सीन्स आपको इन लॉजिकली भी देखने को मिलेंगे उसको भी सुधारा जा सकता था डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से फिल गुड इमोशनल स्टोरी नेरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मजा देगी वहाँ पर आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे एक मैसेज अच्छा मिलेगा साथ ही में कॉमेडी फिल्म की अच्छी है जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता तो फिल्म करीबन ढाई सवा दो घंटे की होती दो घंटे बीस पच्चीस मिनट की तो ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती पंद्रह बीस मिनट जितना कम से कम फिल्म को कम किया जा सकता था इसके अलावा फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था नोबिल फोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ इमोशनल कॉमेडी ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी कुल मिला बात करें तो ट्रिपल सेवन चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है जो लोग लव करते पेट्स को लव करते या इस फिल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे यानी कि कुछ सीन्स फिल्म के हैं लंबे खींचे हुए उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फिल्म काफ़ी बेहतर है आपको ज़रूर पसंद आने वाली है फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म को एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज 2 जून 2022 को दी गई थी 21 इंडियन सिटीज़ में जहां पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को जिनके पास पेट है उनके लिए जहां पे दिल्ली अमृतसर जयपुर मुंबई कोची चेन्नई पुणे में रखी गई थी छः जून को हैदराबाद अहमदाबाद नागपुर सोलापुर तिरुवंतपुरम वाराणसी और कोयम्बतूर में रखी गई थी वहीं पे कुछ सिटीज़ में सात जुलाई को रखी गई थी तो इस तरह से अलग अलग दिन के ऊपर फिल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज रखी गई थी जिसके चलते एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और दस जून को जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फिल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ ले गए। और फिल्म को का सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म का बजट देखा जाए तो काफी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पिन इंडिया फिल्म के हिसाब से लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सभी लैंग्वेजेस में जहाँ पर फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था पंद्रह वोट आई पे मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल थी जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया पचास दिनों से ज़्यादा का लंबा रन लेने के बाद फिल्म ने करीबन 20 करोड़ करोड़ के के बजट सामने 100 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो 100 करोड़ करने वाली रक्षी की करियर की पहली फिल्म साबित हुई साथ ही में कनाडा इंडस्ट्री की जब यह फिल्म रिलीज हुई उस टाइम की से हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई जिसने कनाडा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो जहाँ पे पांचवी ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो इतनी बढ़िया तरीके से फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फिल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के अब हम ओटीटी के ऊपर बातचीत करें सैटेलाइट के ऊपर पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है तो वोट वालों ने इस फिल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं जहां पे उन्होंने सभी वर्जन को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो ट्रिपल फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे कन्नडा मेन लैंग्वेज है बाकी सभी डब्ड वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी हो तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी ट्रिपल सेवन चार्ली जो 2022 की पेन इंडिया कन्नडा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इसे एक पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था जहाँ पे कनाडा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम इन सभी वर्जन्स में फिल्म को डब्ड किया गया है इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के राजबी शेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली इसके अलावा रक्षित सेट्टी संगीता श्रृंगेरी राजबी सेट्टी दनिश सेठ सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सारवरी बॉबी सिम्हा एच जी सोमेश्वर राव भार्गवी नारायण गोपाल कृष्णन देश पांडे दिनेश मंगलोर अभिजीत महेश अनिरुद्ध महेश विजय विक्रम सिंह बेंगलुरु नागेश सलमान अहमद हारिनी सिद्धार्थ भट्ट पारणिया पी राव धनराज शिव कुमारन और किरण राज के एकाएक केम्योपीरियंस है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी किए हुए अरविंद कश्यप ने एडिटिंग किए हुए प्रतीक सेठ्टी ने जहाँ पे फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट यानी कि ये फिल्म दो घंटे चौवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिले मिलेगी वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पोल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परम म्यूजिक और डिवो के पास है सभी वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे जी गुप्ता और रक्षित सेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुव ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन को यू एफ ओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कार्तिक सुब्बा ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इसके अलावा कन्नड़ा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कन्नडा इंडस्ट्री की इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस, इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बातचीत प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर सितंबर 2017 में रक्षी शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवा स्टूडियो के नीचे जो उनका ही बैनर है उसका नाम था ट्रिपल सेवन ली जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिक्की और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका और अक्षय शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ ही में उन्होंने पहली बार एक बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है जो इमोशन है जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सिक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी जहाँ पे लेबरा डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है नाम दिया हुआ है चार्ली उसको करीबन तीन तीन वीक की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नजर आए तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी जहाँ पे कई अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था संगीता तानिस जेड बॉबी बोबी ये ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन सत्ताईस सौ जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू राजबी शेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई दो में ज्वाइन किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कनाडा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका केमी अपीयरेंस देखने को मिलेगा फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो आठ जून 2018 को स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म के साथ अवनय श्रीमारायणा करके एक फिल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पिन इंडिया फिल्म ही थी उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेशपुर मैसूर बेंगलोर अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था उन्होंने नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो सभी चीज़ों को मोन्टास शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सेट्टी के बीच के जो कनेक्शन है बॉन्ड है उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग गोवा गुजरात राजस्थान पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को मार्च दो तक करीबन सौ दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा उसके बाद छः सात महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर दो को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था सीक्वेंस को कुछ सीक्वेंस को वहाँ शूट किया गया था जो शूटिंग है 20 नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर 2000 सॉरी दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्स शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार बार डिले हो रही थी फिल्म की शूटिंग कई जगह पर रिज्यूम करने के लिए बार बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजन्स के चलते अनप्लेजेंट वेदर वेदर के चलते काश्मीर की शूटिंग बार बार डिले हो रही थी और इसी रीजन के चलते फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करने में करीबन एक दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल्स स्कैन क्रेडिंग सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में एक दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाना करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड नाइन्टीन की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी रुकी हुई थी तो अलग अलग रीजन्स के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा फिर से रिज्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे उनतीस जनवरी दो को इस फिल्म के प्रोडक्ट प्रोडक्शक्शन का काम करीबन नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे में फास्ट चल रहा था जिसके चलते फिल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है करीबन 200 सौ वॉयज़ और आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है पचास कैरेक्टर्स के, के लिए पाँच लैंग्वेज के लिए तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिल पाए वही वजह से फ़िल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन -प्रोड� में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था जहां पे ये फिल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज़ होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में पोस्टपोन की गई म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में जहाँ पर कनाडा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है बाकी सभी चार लैंग्वेज में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है तो कनाडा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करते तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने सिंगर थे विजय प्रकाश दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए पॉइंट पंडर इकल ने जिसके सिंगर है धीति लोधितकर तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने सिंगर है जेसी गिफ्ट और अभिनंदा यहाँ यहीं पे चौथा गाना है साहपाती जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने वहीं पे उसके सिंगर है आरणा सेट्टी पूजा राव मेघना कुलकर्णी और जोशी इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नगार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवाने तो इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है वहीं पे बाकी सभी वर्जन में चार चार सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है जिसके राइट्स परमवास्ट म्यूजिक और डिगो के पास है ये इन गानों को दो हज़ार बीस में रिकॉर्ड किया गया था और दो में रिलीज किया गया था तो फिलहाल में आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ट्रिपल सेवन चार्ली के नाम से सुन सकते हो परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं चार्ली जो लेबरा डोग इस फिल्म में किटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संगीता श्रृंगेरी ने देवी का आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है राजवीर शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग लवर का रोल दिया गया एच जी सोमेश्वर को टी स्टॉल ओनर का रोल दिया गया भार्गवी नारायण को टी स्टॉल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कर का रोल प्ले किया हुआ है जो धर्मा के कलीग है दिनेश मैंगलोर ने इस फिल्म में एस आई रंजन सेट्टी का रोल प्ले किया हुआ है अभिजीत महेश ने कंपाउंडर का रोल प्ले किया हुआ है अनिरुद्ध महेश को उत्तम का रोल दिया गया था दो धर्मा के कलिगे विजय विक्रम सिंह इस फिल्म में मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर दिखाई देंगे वहीं पे बेंगलुरु नागेश साहब को धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है परणिया पी राव ने धर्मा के सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है धनराज शिव कुमार ने विकी का रोल प्ले किया हुआ है किरण राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने नॉर्थ इंडियन होटल होटल ओनर का एक केमी अपीरेंस दिया हुआ है तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार में काम किया हुआ है इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो धर्मार यानी कि रक्सी सेट्टी जो एक इमोशनल लेस्ट पर्सन है जो अपनी लाइफ सेम वे में पूरे दिन जीता आ रहा है हर रोज वही सब चीज़ें रूटीन में वो करता आ रहा है रूटीन में मतलब कि उठा आ, काम पे गया इडली खाई दारू पिया बियर पिया और वापस सो गया वही सब चीज़ें रूटीन चलती आ रही है उसकी उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए ना तो वो कि लव या केयर ऐसी कोई चीज़ें उनके लाइफ में देखने को नहीं मिलती है किसी एक दिन लेबराडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है अब उसके बाद में क्या होगा चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है आगे वो फिल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है उसका मेन रीज़न क्या है एग्जेक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के इमोशनल सीन्स काफ़ी हेवी है काफ़ी बेहतरीन है रक्षित शेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है उनका एरोगन पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है अपने करियर का वन ऑफ़ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन प्रेजेंस डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नजर आ रहे थे वो भी सेम ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नजर आएगा राजबीर शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे उनका केदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है वो बढ़िया तरीके से चार्लिक के सीन्स के साथ और साथ ही में आ... धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आती है इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षय शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है स्टोरी के वाइज देखे तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा स्टोरी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है थोड़ी खींची हुई नजर आती है संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं जो सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स आपको इन लॉजिकली भी देखने को मिलेंगे उसको भी सुधारा जा सकता था डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से फिल गुड इमोशनल स्टोरी नेरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए जहां जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते क्लाइमेक्स को जिस तरह से इस्पेली सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मजा देगी वहाँ पर आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे एक मैसेज अच्छा मिलेगा साथ ही में कॉमेडी फिल्म की अच्छी है जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता तो फिल्म करीबन ढाई सवा दो घंटे की होती दो घंटे बीस पच्चीस मिनट की तो ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती पंद्रह बीस मिनट जितना कम से कम फिल्म को कम किया जा सकता था इसके अलावा फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था नोबिल फोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ इमोशनल कॉमेडी ड्रामा सभी जगह पर उनका बैकग्राउंड स्कोर काफी तगड़ा था एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी कुल मिला बात करें तो ट्रिपल चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे काफी बढ़िया-बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है जो लोग लव करते पेट्स को लव करते या इस फिल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे यानी कि कुछ सीन्स फिल्म के हैं लंबे खींचे हुए उसको आपको इग्नोर करोगे तो यह फिल्म काफी बेहतर है आपको जरूर पसंद आने वाली है फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था जहाँ पे फिल्म को एक लिमिटेड थिएटर थिएट्रिकल रिलीज दो जून 2022 को दी गई थी किस इंडियन सिटीज़ में जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को जिनके पास पेट है उनके लिए जहाँ पे दिल्ली अमृतसर जयपुर मुंबई कोची चेन्नई पुणे में रखी गई थी 6 जून को हैदराबाद अहमदाबाद नागपुर सोलापुर तिरुवंतपुरम वाराणसी और कोयम्बत्तर में रखी गई थी वहीं पे कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी तो इस तरह से अलग अलग दिन के ऊपर फिल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज रखी गई थी जिसके चलते एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और दस जून को जब फिल्म रिलीज हुई तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फिल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई और फिल्म को सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पिन इंडिया फिल्म के हिसाब से लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी जिसको क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सभी लैंग्वेजेस में जहाँ पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था पंद्रह हज़ार वोट आई एम डी बी पे मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया पचास दिनों से ज़्यादा का लंबा रन लेने के बाद फिल्म करीबन 20 करोड़ करोड़ के के बजट सामने 100 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो 100 करोड़ करने वाली रक्षी शेट्टी करियर की पहली फिल्म साबित हुई साथ ही में कनाडा इंडस्ट्री की जब यह फिल्म रिलीज हुई उस टाइम की से हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई जिसने कनाडा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो जहाँ पे पांचवी ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो इतनी बढ़िया तरीके से फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फिल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के अब हम ओ के ऊपर बातचीत करें सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है तो वोट वालों ने इस फिल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने सभी वर्जन को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद अवेलेबल किया हुआ है तो ट्रिपल फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे कन्नडा मेन लैंग्वेज है बाकी सभी डब्ड वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी हो तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पॉल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक है उसके राइट्स परमवार म्यूजिक और डिवो के पास है सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे जीएस गुप्ता और रक्षित सेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमारन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन को यू एफ ओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कार्तिक सुब्बाराज ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इसके अलावा कन्नड़ा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कनाडा इंडस्ट्री की इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस, इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बातचीत प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर सितंबर 2017 में रक्षी सेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवा स्टूडियो के नीचे जो उनका ही बैनर है उसका नाम था ट्रिपल सेवन चार्ली जहाँ पर बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिक्की और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले हैं जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका और रक्षित शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ ही में उन्होंने पहली बार एक बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है जो इमोशन है जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी जहाँ पे लेबरा डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है नाम दिया हुआ है चार्ली उसको करीबन तीन तीन वीक की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नज़र आए तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी जहाँ पे कई अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था संगीता श्रृंगेरी तानिस जेड बॉबी सिम्हा ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन सत्ताईस सौ जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू राजबी शेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई दो में ज्वाइन किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कनाडा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका केम्यो अपेयरेंस देखने को मिलेगा फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो आठ जून 2018 को स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म के साथ अवनी अवन श्रीमारायणा करके एक फिल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पिन इंडिया फिल्म ही थी उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेशपुर मैसूर बेंगलोर अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था हमने श्रीमन नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो सभी चीज़ों को मोन्टास शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सिट्टी के बीच के जो कनेक्शन है बॉन्ड है उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग गोवा गुजरात राजस्थान पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को मार्च दो तक करीबन सौ दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा उसके बाद छः सात महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर दो को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और काश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए सिक्वेंस को कुछ को वहां शूट किया गया था जो शूटिंग बीस नवंबर दो में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर दो सॉरी दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्ष शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार बार डिले हो रही थी फिल्म की शूटिंग कई जगह पर रिज्यूम करने के लिए बार बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजंस के चलते अनप्लेसेंट वेदर वेदर के चलते काश्मीर की शूटिंग बार बार डिले हो रही थी और इसी रीजन के चलते फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करने में करीबन एक दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल कैन क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में एक दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कम्प्लीट करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड नाइन्टीन की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी रुकी हुई थी तो अलग अलग रीजन्स के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा फिर से रिज्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस तक कम्प्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे उनतीस जनवरी दो को इस फिल्म के प्रोडक्शन का काम करीबन नाइन्टी कंप्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे फास्ट चल रहा था जिस के चलते फिल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है करीबन 200 सौ वॉयस ओवर आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है पचास कैरेक्टर्स के, के लिए पाँच लैंग्वेज के लिए तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिल पाए वही वजह से फिल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था जहां पे ये फिल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में पोस्टपोन की गई म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में जहाँ पर कनाडा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है बाकी सभी चार लैंग्वेज में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है तो कनाडा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करते तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने सिंगर थे विजय प्रकाश दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइयस पोई पंडर ने जिसके सिंगर है दीति कर तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने सिंगर है जेसी गिफ्ट और अभिनंदा यहाँ यहीं पे चौथा गाना है सहापाती जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने वहीं पे उसके गा सिंगर है आरणा सेट्टी पूजा राव मेघना कुलकर्णी और जोशी इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नगार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवाने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है वहीं पे बाकी सभी वर्जन में चार चार सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है जिसके राइट्स परमवास म्यूजिक और डिवो के पास है ये इन गानों को 2020 से बीस इक्कीस में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज किया गया था तो फिलहाल में आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ट्रिपल सेवन चार्ली के नाम से सुन सकते हो परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में ट्रिपल सेवन चार्ली जो 2022 की पेन इंडिया कन्नडा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इसे एक पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था जहाँ पे कनाडा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम इन सभी वर्जनस में फिल्म को डब्ड किया गया है इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के राजबी सेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए है वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली इसके अलावा रक्षित सेट्टी संगीता श्रृंगेरी राजबी बी सेट्टी दनिश सेठ सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सारवरी बॉबी सिम्हा एच जी सोमेश्वर राव भार्गवी नारायण गोपाल कृष्णन देश पांडे दिनेश मंगलोर अभिजीत महेश अनिरुद्ध महेश विजय विक्रम सिंह बेंगलुरु नागेश सलमान अहमद हारिनी सिद्धार्थ भट्ट परणिया पी राव धनराज शिव कुमारन और किरण राज के की एकाएक केम्योपीरियंस है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी किए हुए अरविंद कश्यप ने एडिटिंग की हुए प्रतीक सेट्टी ने जहाँ पे फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट यानी कि ये फिल्म दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिले मिलेगी वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पोल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परमवा म्यूजिक और डिवो के पास है सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे जी गुप्ता और रक्षित सेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमार ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन को अः यूएफओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कार्तिक सुब्बाराज ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इसके अलावा कन्डा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते वन ऑफ द हाइस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कनाडा इंडस्ट्री की इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस, इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बातचीत प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर सितंबर 2017 में रक्षी शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवा स्टूडियो के नीचे जो उनका ही बैनर है उसका नाम था ट्रिपल सेवन ली जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ सेट्टी की रिक्की और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका और अक्षय शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ ही में उन्होंने पहली बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है जो इमोशन है जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सिक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी जहाँ पे लेबरा डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है नाम दिया हुआ है चार्ली उसको करीबन तीन तीन वीक की ट्रेनिंग दिया दिलवाई गई थी और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नज़र आए तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी जहाँ पे कई अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था संगीता श्रृंगेरी तानिस जेठ सिम्हा ये से कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन सत्ताईस सौ जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू राजबी सेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई दो में ज्वाइन किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कनाडा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका कैम्योपीरेंस देखने को मिलेगा फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो आठ जून दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म के साथ अवनय श्रीमान नारायणा करके एक फिल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पिन इंडिया फिल्म ही थी उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेशपुर मैसूर बेंगलोर अलग अलग लोकेशन पर स्टार्ट की गई थी शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था उन्होंने नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो सभी चीज़ों को मोन्टास शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सेट्टी के बीच के जो कनेक्शन है बॉन्ड है उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग गोवा गुजरात राजस्थान पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को मार्च दो तक करीबन सौ दिनों की शूटिंग कम्प्लीट करवाई गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा उसके बाद छः सात महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर दो को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था सीक्वेंस को कुछ सीक्वेंस को वहाँ शूट किया गया था जो शूटिंग है 20 नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर 2000 सॉरी दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्ष शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार बार डिले हो रही थी फिल्म की शूटिंग कई जगह पे रिज्यूम करने के लिए बार बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजंस के चलते अनप्लेसेंट वेदर वेदर के चलते काश्मीर की शूटिंग बार बार डिले हो रही थी और इसी रीजन के चलते फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करने में करीबन एक, एक दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में एक दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कराना करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड नाइन्टीन की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी रुकी हुई थी तो अलग अलग रीजन्स के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा फिर से रिज्यूम करना पड़ा और फाइनली पच्चीस अक्टूबर दो किस तक कम्प्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे उनतीस जनवरी दो को इस फिल्म के प्रोडक्ट का, का काम करीबन नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे में फास्ट चल रहा था जिस के चलते फ़िल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है करीबन 200 सौ वॉयज ओवर आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है पचास कैरेक्टर्स के, के लिए पाँच लैंग्वेज़ के लिए तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ़्लेवर है वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिल पाए वही वजह से फिल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन प्र में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था जहां पे ये फिल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज़ होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में पोस्टपोन की गई म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में जहाँ पर कनाडा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है बाकी सभी चार लैंग्वेज में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है तो कनाडा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने सिंगर थे विजय प्रकाश दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइएस पोई पंडरिकल ने जिसके सिंगर है धीति लोधितकर तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने सिंगर है जेसी गिफ्ट और अभिनंदा भिस यहाँ यहीं पे चौथा गाना है सहापाती जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने वहीं पे उसके गा सिंगर है आरणा सेट्टी पूजा राव मेघना कुलकर्णी और जोशी इसके अलावा पाँचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नगार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम ने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है वहीं पे बाकी सभी वर्जन में चार चार सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ कनाडा वर्जन में देखने को मिलेगा तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है जिसके राइट्स परमवा म्यूज़िक और डिवो के पास है ये इन गानों को 2020 हज़ार बीस से इक्कीस में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज़ किया गया था तो फ़िलहाल में आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पर ऑफिशियली ट्रिपल सेवन चार्ली के नाम से सुन सकते हो परमवा म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं चार्ली जो लेबरा डोग इस फिल्म में किटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संगीता श्रिंगेरी ने देवी का आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है राजवी शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया है दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया है सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया है बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग लवर का रोल दिया गया है जी सोमेश्वर को टी स्टोल ओनर का रोल दिया गया भार्गवी नारायण को टी स्टोल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कृपाकर का रोल प्ले किया हुआ है जो धर्मा के कलीगे दिनेश मैंगलोर ने इस फिल्म में एस आई रंजन शेट्टी का रोल प्ले किया हुआ है अभिजीत महेश ने कंपाउंडर का रोल प्ले किया हुआ है अनिरुद्ध महेश को उत्तम का रोल दिया गया था दो धर्मा के विजय विक्रम सिंह इस फिल्म मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर दिखाई देंगे वहीं पे बेंगलुरु नागेश साहब को धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है परणिया पी राव ने धर्मा की सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है धनराशि

दारू पिया बियर पिया और वापस सो गया वही सब चीज़ें रूटीन चलती आ रही है उसकी उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए ना तो वो कि लव या केयर ऐसी कोई चीज़ें उनके लाइफ में देखने को नहीं मिलती किसी एक दिन लेबराडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है अब उसके बाद में क्या होगा चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है आगे वो फ़िल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है उसका मेन रीज़न क्या है एग्जेक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के इमोशनल सीन्स काफ़ी हेवी है काफ़ी बेहतरीन है रक्षित शेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है उनका एरोगन पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन प्रेजेंस डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नज़र आ रहे थे वो भी शर्मा ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नज़र आया राजवीर शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे उनका किरदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है वो बढ़िया तरीके से आ, चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में आ, धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नज़र आती है इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षित शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है स्टोरी के वाइज देखे तो फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा स्टोरी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है थोड़ी खींची हुई नजर आती है संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं जो सेकंड हाफ में कुछ सीन्स आपको इन लॉजिकली भी देखने को मिलेंगे उसको भी सुधारा जा सकता था डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से एक फिल गुड इमोशनल स्टोरी नेरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मजा देगी वहाँ पर आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे एक मैसेज अच्छा मिलेगा साथ ही में कॉमेडी फिल्म की अच्छी है जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है सभी चीज़ें आपको पसंद आएंगी लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता तो फिल्म करीबन ढाई सवा दो घंटे की होती दो घंटे बीस पच्चीस मिनट की तो यह फिल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती पंद्रह बीस मिनट जितना कम से कम फिल्म को कम किया जा सकता था इसके अलावा फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था नोबिल फोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ इमोशनल कॉमेडी ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी कुल मिला बात करें तो ट्रिपल चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है जो लोग लव करते पेट्स को लव करते या इस फिल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे यानी कि कुछ सीन्स फिल्म के हैं लंबे खींचे हुए उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फिल्म काफ़ी बेहतर है आपको ज़रूर पसंद आने वाली है फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था जहाँ पे फिल्म को एक लिमिटेड थिएटर थिएट्रिकल रिलीज 2 जून 2022 को दी गई थी किस इंडियन सिटीज़ में जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को जिनके पास पेट है उनके लिए जहाँ पे दिल्ली अमृतसर जयपुर मुंबई कोची चेन्नई पुणे में रखी गई थी 6 जून को हैदराबाद अहमदाबाद नागपुर सोलापुर तिरुवत्तपुरम वाराणसी और कोयम्बतूर में रखी गई थी वहीं पे कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी तो इस तरह से अलग अलग दिन के ऊपर फिल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज रखी गई थी जिसके चलते एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और दस जून को जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फिल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई और फिल्म को उनका सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पिन इंडिया फिल्म के हिसाब से लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सभी लैंग्वेजेस में जहां पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म किसी भी प्रकार का

कनाडा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो जहाँ पे पांचवी ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो इतनी बढ़िया तरीके से फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फिल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के अब हम ओ के ऊपर बातचीत करें सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी वुड वो सिलेक्ट के पास है तो वोट वालों ने इस फिल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं जहां पे उन्होंने सभी वर्जन को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद अवेलेबल किया हुआ है तो ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे कन्नडा मेन लैंग्वेज है बाकी सभी डब्ड वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी हो तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी ट्रिपल सेवन चार्ली जो 2022 की पेन इंडिया कन्नडा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इसे एक पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था जहाँ पे कन्नडा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम इन सभी वर्जन में फिल्म को डब्ड किया गया है इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के राजबीर शेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली इसके अलावा रक्षित सेट्टी संगीता श्रृंगेरी राजबी शेट्टी दनिश सेठ सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सारवरी बॉबी सिम्हा एच जी सोमेश्वर राव भार्गवी नारायण गोपाल कृष्णन देश पांडे दिनेश मंगलोर अभिजीत महेश अनिरुद्ध महेश विजय विक्रम सिंह बेंगलुरु नागेश सलमान अहमद हारिनी सिद्धार्थ भट्ट परणिया पी राव धनराज शिव कुमारन और किरण राज के एकाएक केमियोपीरियंस है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी किए हुए अरविंद कश्यप ने एडिटिंग की हुए प्रतीक सेट्टी ने जहाँ पे फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट यानी कि यह फिल्म दो घंटे चौवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिले मिलेगी वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूज़िक की बात करें तो नोबिन पॉल का बैकग्राउंड और सॉन्ग सुनने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परम म्यूजिक और डिवो के पास है सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे जी गुप्ता और रक्षित सेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज़ के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में पृथ्वीराज सुकुमार ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन को यूएफओ एफ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कार्तिक सुब्बा ने इस फिल्म को तमिल डब्ब वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इसके अलावा कन्नडा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कनाड़ा इंडस्ट्री की इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस, इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बातचीत प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर सितंबर 2017 में रक्षी शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परम स्टूडियो के नीचे जो उनका ही बैनर है उसका नाम था ट्रिपल सेवन चार्ली जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिक्की और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका और अक्षय शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ ही में उन्होंने पहली बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है जो इमोशन है जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी जहाँ पे लेबरा डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है नाम दिया हुआ है चार्ली उसको करीबन तीन तीन वीक की ट्रेनिंग दिया दिलवाई गई थी और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नज़र आए तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी जहाँ पे कई अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था संगीता श्रींगेरी तानिस जेड बॉबी सिम्हा ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन सत्ताईस सौ जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू राजबी शेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई दो में ज्वाइन किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कनाडा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका केम्यू अपीरेंस देखने को मिलेगा फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो आठ जून 2018 को स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म के साथ अवन श्रीमारायणा कर की एक फिल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पिन इंडिया फिल्म ही थी उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेशपुर मैसूर बेंगलोर अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था उन्होंने नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो सभी चीज़ों को मोन्टास शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सिट्टी के बीच के जो कनेक्शन है बॉन्ड है उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग गोवा गुजरात राजस्थान पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को मार्च दो तक करीबन सौ दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा उसके बाद छः सात महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर दो को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था था उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था सीक्वेंस को कुछ सीक्वेंस को वहाँ शूट किया गया था जो शूटिंग है बीस नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर दो सॉरी दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्ष शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार बार डिले हो रही थी फिल्म की शूटिंग कई जगह पर रिज्यूम करने के लिए बार बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजंस के चलते अनप्लेजेंट वेदर वेदर के चलते काश्मीर की शूटिंग बार बार डिले हो रही थी और इसी रीजन के चलते फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करने में करीबन एक दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल स्कैंड क्रेडिंग सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में एक दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कराना करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड नाइन्टीन की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी रुकी हुई थी तो अलग अलग रीजन के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा फिर से रिज्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर दो तक कंप्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे उनतीस जनवरी दो को इस फिल्म के प्रोडक्शन का, का काम करीबन नाइन्टी कंप्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे में फास्ट चल रहा था जिसके चलते फिल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है करीबन 200 सौ वॉयस ओवर आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है पचास कैरेक्टर्स के लिए पाँच लैंग्वेज के लिए तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिल पाए वही वजह से फिल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन प्र में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था जहां पे ये फिल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में पोस्टपोन की गई म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में जहाँ पे कनाडा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है बाकी सभी चार लैंग्वेज में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है तो कनाडा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने सिंगर थे विजय प्रकाश दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइएस पोई पंडर इकल ने जिसके सिंगर है कर, तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने सिंगर है जेसी गिफ्ट और यहाँ यहीं पे चौथा गाना है सहापाती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने वहीं पे उसके गा सिंगर है अरणा सेट्टी पूजा राव मेघना कुलकर्णी और जोशी इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नगार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवा ने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है वहीं पे बाकी सभी वर्जन में चार चार सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है जिसके राइट्स परमवास म्यूजिक और डिवो के पास है ये इन गानों को 2020 से 21 में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज़ किया गया था तो फिलहाल मैं आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ट्रिपल सेवन चार्ली के नाम से सुन सकते हो परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं चार्ली जो डेबरा डोग है इस फिल्म में किटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संगीता श्रृंगेरी ने देवी का आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है राजवी शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग लवर का रोल दिया गया एच जी सोमेश्वर को टी स्टॉल ओनर का रोल दिया गया भार्गवी नारायण को टी स्टॉल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कृपा कर का रोल प्ले किया हुआ है जो धर्मा के कलीग है दिनेश मैंगलोर ने इस फिल्म में एस आई रंजन का रोल प्ले किया हुआ है अभिजीत महेश ने कंपाउंडर का रोल प्ले किया हुआ है अनिरुद्ध महेश को उत्तम का रोल दिया गया था दो धर्मा के कलिगे विजय विक्रम सिंह इस फिल्म मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर दिखाई देंगे वहीं पे बेंगलुरु नागेश को धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है परणिया पी राव ने धर्मा की सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ धनराज शिव कुमार ने विकी का रोल प्ले किया हुआ है किरण राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने नॉर्थ इंडियन होटल ओनर का एक केमेओ अपीयरेंस दिया हुआ है तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार में काम किया हुआ है इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो धर्मार यानी कि रक्सी शेट्टी जो एक इमोशनल लेस्ट पर्सन है जो अपनी लाइफ सेम वे में पूरे दिन जीता आ रहा है हर रोज वही सब चीजें रूटीन में वो करता आ रहा है रूटीन में मतलब कि उठा आ, काम पे गया इद लिखाई दारू पिया बियर पिया और वापस हो गए वही सब चीज़ें रूटीन चलती आ रही है उसकी उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए ना तो वो लव या केयर ऐसी कोई चीज़ें उनके लाइफ में देखने को नहीं मिलती है किसी एक दिन लेबराडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है अब उसके बाद में क्या होगा चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है आगे वो फिल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है उसका मेन रीज़न क्या है एग्जैक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के इमोशनल सीन्स काफ़ी हेवी है काफ़ी बेहतरीन है रक्षित सेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है उनका एरोगन पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नजर आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन प्रेजेंस डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नजर आ रहे थे वो भी ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नज़र आएगा राजबी शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे उनका केदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है वो बढ़िया तरीके से चार्लिक के सीन्स के साथ और साथ ही में आ... धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नज़र आती है इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षित शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है स्टोरी के वाइज देखे तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा स्टोरी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म क्या होने वाला है लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है थोड़ी खींची हुई नजर आती है संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं जो सेकेंड हाफ़ में कुछ सीन्स आपको इन लॉजिकली भी देखने को मिलेंगे उसको भी सुधारा जा सकता था डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से फिलगुड इमोशनल स्टोरी नेरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मज़ा देगी वहाँ पर आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे एक मैसेज अच्छा मिलेगा साथ ही में कॉमेडी फिल्म की अच्छी है जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता है तो फिल्म करीबन ढाई सवा दो घंटे की होती दो घंटे बीस पच्चीस मिनट की तो ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती पंद्रह बीस मिनट जितना कम से कम फिल्म को कम किया जा सकता था इसके अलावा फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था नोबिल फोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ इमोशनल कॉमेडी ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी कुल मिला बात करें तो ट्रिपल सेवन चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फिल्म सभी लोग के लिए नहीं है जो लोग लव करते पेट्स को लव करते या इस फिल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे यानी कि कुछ सीन्स फिल्म के हैं लंबे खींचे हुए उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फिल्म काफ़ी बेहतर है आपको जरूर पसंद आने वाली है फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था जहां पे फिल्म को एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज 2 जून 2022 को दी गई थी किस इंडियन सिटीज़ में जहां पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को जिनके पास पेट है उनके लिए जहाँ पे दिल्ली अमृतसर जयपुर मुंबई कोची चेन्नई पुणे में रखी गई थी 6 जून को हैदराबाद अहमदाबाद नागपुर सोलापुर तिरुवंतपुरम वाराणसी और कोयम्बतूर में रखी गई थी वहीं पे कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी तो इस तरह से अलग अलग दिन के ऊपर फिल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज रखी गई थी जिसके चलते एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और दस जून को जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फिल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई और फिल्म को का सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पिन इंडिया फिल्म के हिसाब से लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सभी लैंग्वेजेस में जहाँ पर फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था पंद्रह हज़ार वोट आई एम डी बी पे मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया पचास दिनों से ज़्यादा का लंबा रन लेने के बाद फिल्म ने करीब न करीबन 20 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो 100 करोड़ करने वाली रक्सी शेट्टी के करियर की पहली फिल्म साबित हुई साथ ही में कनाडा इंडस्ट्री की जब ये फिल्म रिलीज हुई उस टाइम की पांचवी से हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई जिसने कनाडा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो जहाँ पे पांचवी ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो इतनी बढ़िया तरीके से फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फिल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के अब हम ओ के ऊपर बातचीत करें सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है तो वोट वालों ने इस फिल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी वर्जन्स को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे कन्नडा मेन लैंग्वेज है बाकी सभी डब्ड वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी हो तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी ट्रिपल सेवन चार्ली जो 2022 की पेन इंडिया कन्नडा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इसे एक पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था जहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम इन सभी वर्जनस में फिल्म को डब्ड किया गया है इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के राजबी सेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली इसके अलावा रक्षित सेट्टी संगीता श्रृंगेरी राजबी सेट्टी दनिश सेठ सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सारवरी बॉबी सिम्हा एच जी सोमेश्वर राव भार्गवी नारायण गोपाल कृष्णन देश पांडे दिनेश मंगलोर अभिजीत महेश अनिरुद्ध महेश विजय विक्रम सिंह बेंगलुरु नागेश सलमान अहमद हारिनी सिद्धार्थ भट्ट पारणिया पी राव धनराज शिव कुमारन और किरण राज के एकाएक केमीओपीस है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी किए हुए अरविंद कश्यप ने एडिटिंग किए हुए प्रतीक सेठ्टी ने जहाँ पे फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट यानी कि ये फिल्म दो घंटे चौवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिले मिलेगी वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पोल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परमवार म्यूजिक और डिवो के पास है सभी वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे जी गुप्ता और रक्षित सेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज़ के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमारन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन को यू एफ ओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कार्तिक सुब्बा ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इसके अलावा कन्नड़ा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कन्नाडा इंडस्ट्री की इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस, इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बातचीत प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर सितंबर 2017 में रक्षी सेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवा स्टूडियो के नीचे जो उनका ही बैनर है उसका नाम था ट्रिपल सेवन ली जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ सेट्टी की रिक्की और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका और रक्षित शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ ही में उन्होंने पहली बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ जो है जो इमोशन है जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सिक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी जहाँ पे लेबरा डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है नाम दिया हुआ है चार्ली उसको करीबन तीन तीन वीक की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नज़र आए तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी जहाँ पे कहीं अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था संगीता तानिस जेड बॉबी सिम्हा ये ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन सत्ताईस सौ जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू राजबी शेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई दो में ज्वाइन किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कनाडा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका केमी अपीरेंस देखने को मिलेगा फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो आठ जून 2018 को स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म के साथ अवनय श्रीमारायण कर की एक फिल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पिन इंडिया फिल्म ही थी उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेशपुर मैसूर बेंगलोर अलग अलग लोकेशन पर स्टार्ट की गई थी शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था उन्होंने नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो सभी चीज़ों को मोन्टास शोट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सेट्टी के बीच के जो कनेक्शन है बॉन्ड है उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग गोवा गुजरात राजस्थान पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को मार्च दो तक करीबन सौ दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा उसके बाद छः सात महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर दो को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था सीक्वेंस सीक्वेंस को को कुछ शूट किया गया था जो शूटिंग बीस नवंबर दो में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर दो दिसंबर सॉरी के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्षित शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार बार डिले हो रही थी फिल्म की शूटिंग कई जगह पे रिज्यूम करने के लिए बार बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजंस के चलते अनप्लेजेंट वेदर वेदर के चलते काश्मीर की शूटिंग बार बार डिले हो रही थी और इसी रीजन के चलते फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था पूरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में करीबन एक दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल्स कैंड क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में एक दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीजों को कंप्लीट कम्प्लीट करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड नाइन्टीन की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी रुकी हुई थी तो अलग अलग रीजन्स के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा फिर से रिज्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे उनतीस जनवरी दो को इस फिल्म के प्रोडक्शन का, का काम करीबन नाइन्टी कंप्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे में फास्ट चल रहा था जिस के चलते फिल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है करीबन 200 सौ वॉयज ओवर आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है पचास कैरेक्टर्स के लिए पाँच लैंग्वेज के लिए तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिल पाए वही वजह से फिल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था जहां पे ये फिल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज़ होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में पोस्टपोन की गई म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में जहाँ पर कनाडा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है बाकी सभी चार लैंग्वेज में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है तो कनाडा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करते तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने सिंगर थे विजय प्रकाश दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइयस पॉइंट पंडर ने जिसके सिंगर है दीति कर तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने सिंगर है जेसी गिफ्ट और अभिनंदा भिसे यहाँ यहीं पे चौथा गाना है साहपाती जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने वहीं पे उसके सिंगर है आरणा सेट्टी पूजा राव मेघना कुलकर्णी और जोशी इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवाने तो इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है वहीं पे बाकी सभी वर्ज़न में चार चार सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है जिसके राइट्स परमवास म्यूजिक और डिवो के पास है ये इन गानों को दो हज़ार बीस में रिकॉर्ड किया गया था और दो में रिलीज़ किया गया था तो फिलहाल मैं आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ट्रिपल सेवन चार्ली के नाम से सुन सकते हो परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं चार्ली जो लेबरा डोग इस फिल्म में किटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा रक्षित शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संगीता श्रृंगेरी ने देवी का आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है राजवीर शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया है दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया है सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग लवर का रोल दिया गया एच जी सोमेश्वर को टी स्टॉल ओनर का रोल दिया गया भार्गवी नारायण को टी स्टॉल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कृपा कर का रोल प्ले किया हुआ है जो धर्मा के कलीग है दिनेश मैंगलोर ने इस फिल्म में एस आई रंजन सेट्टी रोल की की। का रोल प्ले किया हुआ है अभिजीत महेश ने कंपाउंडर का रोल प्ले किया हुआ है अनिरुद्ध महेश को उत्तम का रोल दिया गया था दो धर्मा के कलिगे विजय विक्रम सिंह इस फिल्म में मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर दिखाई देंगे वहीं पे बेंगलुरु नागेश साहब को धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है परणिया पी राव ने धर्मा के सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है धनराज शिव कुमार ने विकी का रोल प्ले किया हुआ है किरण राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने नॉर्थ इंडियन होटल वर्नर का एक केमेओ अपीयरेंस दिया हुआ है तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार में काम किया हुआ है इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो धर्मार यानी कि रक्सी शेट्टी जो एक इमोशनल लेस्ट पर्सन है जो अपनी लाइफ सेम वे में पूरे दिन जीता आ रहा है हर रोज वही सब चीजें रूटीन में वो करता आ रहा है रूटीन में मतलब कि उठा आ, काम पे गया इद लिखाई दारू पिया बियर पिया और वापस सो गए वही सब चीज़ें रूटीन चलती आ रही है उसकी उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए ना तो वो कि लव या केयर ऐसी कोई चीज़ें उनके लाइफ में देखने को नहीं मिलती है किसी एक दिन लेबराडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है अब उसके बाद में क्या होगा चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है आगे वो फिल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है उसका मेन रीजन क्या है एग्जैक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के इमोशनल सीन्स काफ़ी हेवी है काफ़ी बेहतरीन है रक्षित शेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है उनका एरोगेंट पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन प्रेजेंस डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नजर आ रहे थे वो भी शर्मा ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नज़र आया राजवी शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे उनका किरदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है संगीता श्रिंगे ऋण अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है वो बढ़िया तरीके से आ, चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में आ, धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आती है इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षय शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है स्टोरी के वाइज देखे तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा स्टोरी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है थोड़ी खींची हुई नजर आती है संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं जो सेकंड हाफ में कुछ सीन्स आपको इन लॉजिकली भी देखने को मिलेंगे उसको भी सुधारा जा सकता था डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से फिल गुड इमोशनल स्टोरी नेरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए जहां जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मजा देगी वहाँ पर आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे एक मैसेज अच्छा मिलेगा साथ ही में कॉमेडी फिल्म की अच्छी है जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता तो फिल्म करीबन ढाई सवा दो घंटे की होती दो घंटे बीस पच्चीस मिनट की तो ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती पंद्रह बीस मिनट जितना कम से कम फिल्म को कम किया जा सकता था इसके अलावा फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था नोबिल फोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ इमोशनल कॉमेडी ड्रामा सभी जगह पर उनका बैकग्राउंड स्कोर काफी तगड़ा था एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी कुल मिला बात करें तो ट्रिपल चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे काफी बढ़िया-बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है जो लोग लव करते पेट्स को लव करते या इस फिल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे यानी कि कुछ सीन्स फिल्म के हैं लंबे खींचे हुए उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फिल्म काफी बेहतर है आपको जरूर पसंद आने वाली है फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था जहाँ पे फिल्म को एक लिमिटेड थिएटर थिएट्रिकल रिलीज दो जून 2022 को दी गई थी किस इंडियन सिटीज़ में जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को जिनके पास पेट है उनके लिए जहाँ पे दिल्ली अमृतसर जयपुर मुंबई कोची चेन्नई पुणे में रखी गई थी 6 जून को हैदराबाद अहमदाबाद नागपुर सोलापुर तिरुवंतपुरम वाराणसी और कोयम्बत् में रखी गई थी वहीं पे कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी तो इस तरह से अलग अलग दिन के ऊपर फिल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज रखी गई थी जिसके चलते एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और दस जून को जब फिल्म रिलीज हुई तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फिल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई और फिल्म को का सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पिन इंडिया फिल्म के हिसाब से लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सभी लैंग्वेजेस में जहाँ पर फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था पंद्रह हज़ार वोट आई एम डी बी पे मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया पचास दिनों से ज़्यादा का लंबा रन लेने के बाद फिल्म में करीबन 20 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो 100 करोड़ करने वाली रक्सी सेट्टी की करियर की पहली फिल्म साबित हुई साथ ही में कनाडा इंडस्ट्री की जब ये फिल्म रिलीज हुई उस टाइम की पाँचवीं ऐसी हाइस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई जिसने कनाडा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो जहाँ पे पांचवी ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो इतनी बढ़िया तरीके से फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फिल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के अब हम ओ के ऊपर बातचीत करें सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी है वो वुड सिलेक्ट के पास है तो वोट वालों ने इस फिल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए जहाँ पे उन्होंने सभी वर्जन को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो ट्रिपल फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है बाकी सभी डब्ड वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी हो तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी ट्रिपल सेवन चार्ली जो 2022 की पेन इंडिया कन्नडा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इसे एक पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था जहाँ पे कन्नडा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम इन सभी वर्जन्स में फिल्म को डब्ड किया गया है इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के राजबीर शेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली इसके अलावा रक्षित सेट्टी संगीता श्रृंगेरी राजबी सेट्टी दनिश सेठ सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सारवरी बॉबी सिम्हा एच जी सोमेश्वर राव भार्गवी नारायण गोपाल कृष्णन देश पांडे दिनेश मंगलोर अभिजीत महेश अनिरुद्ध महेश विजय विक्रम सिंह बेंगलुरु नागेश सलमान अहमद हारिनी सिद्धार्थ भट्ट परणिया पी राव धनराज शिव कुमारन और किरण राज के एकाएक केम्योपीरियंस है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद कश्यप ने एडिटिंग की हुई प्रतीक प्रतिक सेट्टी ने जहाँ पे फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट यानी कि ये फिल्म दो घंटे चौवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिले मिलेगी वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पोल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परमवार म्यूजिक और डिवो के पास है सभी वर्जनस के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे जी गुप्ता और रक्षित सेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमार ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन को यू एफ ओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्ज़न को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कार्तिक सुब्बाराज ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इसके अलावा कन्नडा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कनाडा इंडस्ट्री की इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस, इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बातचीत प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर सितंबर 2017 में रक्सी शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवा स्टूडियो के नीचे जो उनका ही बैनर है उसका नाम था ट्रिपल सेवन चार्ली जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिक्की और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले हैं जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका और रक्षित शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ ही में उन्होंने पहली बार एक बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है जो इमोशन है जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सिक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी जहाँ पे लेबरा डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है नाम दिया हुआ है चार्ली उसको करीबन तीन तीन वीक की ट्रेनिंग दिया दिलवाई गई थी और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नज़र आए तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी जहाँ पे कई अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था संगीता श्रृंगेरी तानिस बॉबी सिम्हा ये ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन सत्ताईस सौ जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू राजबी सेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई दो में ज्वाइन किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कनाडा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका केमी अपीरेंस देखने को मिलेगा फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो आठ जून दो को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म के साथ अवनय श्रीमारायणा करके एक फिल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पेन इंडिया फिल्म ही थी उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेशपुर मैसूर बेंगलोर अलग अलग लोकेशन पर स्टार्ट की गई थी शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ है इसके अलावा फिल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था उन्होंने श्रीमनारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो सभी चीज़ों को मोन्टास शोट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सेट्टी के बीच के जो कनेक्शन है बॉन्ड है उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग गोवा गुजरात राजस्थान पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को मार्च दो तक करीबन सौ दिनों की शूटिंग कम्प्लीट करवाई गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा उसके बाद छः सात महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर दो को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था सीक्वेंस को कुछ सीक्वेंस को वहाँ शूट किया गया था जो शूटिंग है बीस नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर दो सॉरी दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्ष शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार बार डिले हो रही थी फिल्म की शूटिंग कई जगह पर रिज्यूम करने के लिए बार बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजन्स के चलते अनप्लेसेंट वेदर वेदर के चलते काश्मीर की शूटिंग बार बार डिले हो रही थी और इसी रीजन के चलते फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करने में करीबन एक दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल स्कैन क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में एक दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कम्प्लीट करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड नाइन्टीन की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी रुकी हुई थी तो अलग अलग रीजन्स के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा फिर से रिज्यूम करना पड़ा और फाइनली पच्चीस अक्टूबर दो तक कम्प्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे उनतीस जनवरी दो को इस फिल्म के प्रोडक्शन का काम करीबन नाइनटी परसेंट कम्प्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे में फास्ट चल रहा था जिस के चलते फ़िल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है करीबन 200 सौ वॉयज़ ओवर आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है पचास कैरेक्टर्स के लिए पाँच लैंग्वेज़ के लिए तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिल पाए वही वजह से फ़िल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन प्र में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था जहां पे ये फिल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज़ होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में पोस्टपोन की गई म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में जहाँ पर कनाडा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है बाकी सभी चार लैंग्वेज़ में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है तो कनाडा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने सिंग थे विजय प्रकाश दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइयस पॉइंट पंडर इकल ने जिसके सिंगर है धीति कर तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने सिंगर है जेसी गिफ्ट और अभिनंदा भाईसाले यहाँ यहीं पे चौथा गाना है साहपाती जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने वहीं पे उसके सिंगर है आरणा सेट्टी पूजा राव मेघना कुलकर्णी और जोशी इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नगार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवाने तो इस तरह से टोटल पाँच गाने थे जिसको कन्नडा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है वहीं पे बाकी सभी वर्जन में चार चार सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा तो इन गानों की लेंथ उन्नीस मिनट पचास सेकंड है जिसके राइट्स परमवास म्यूजिक और डिवो के पास है ये इन गानों को दो से इक्कीस में रिकॉर्ड किया गया था और दो में रिलीज़ किया गया था तो फिलहाल मैं आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ट्रिपल सेवन चार्ली के नाम से सुन सकते हो परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं चार्ली जो लेब्रा डोग इस फिल्म में कीटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा रक्षी सेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संगीता श्रृंगेरी ने देवी का आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है राजवी शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग लवर का रोल दिया गया एच सोमेश्वर को टी स्टॉल ओनर का रोल दिया गया भार्गवी नारायण को टी स्टॉल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया गोपाल कृष्ण देश ने कृपाकर का रोल प्ले किया हुआ है जो धर्मा के कलिगे दिनेश मैंगलोर ने इस फिल्म में एस आई रंजन शेट्टी का रोल प्ले किया हुआ है अभिजीत महेश ने कंपाउंडर का रोल प्ले किया हुआ है अनिरुद्ध महेश को उत्तम का रोल दिया गया था दो धर्मा के कलिगे विजय विक्रम सिंह इस फिल्म मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर दिखाई देंगे वहीं पे बेंगलुरु नागेश साहब को धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है परणिया पी राव ने धर्मा की सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है धनराशि कुमार ने विकी का रोल प्ले किया हुआ है किरण राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने नॉर्थ इंडियन होटल ओनर का एक केम्योपीरियंस दिया हुआ है तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार में काम किया हुआ है इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो धर्मार यानी कि रक्सी शेट्टी जो एक इमोशनल लेस्ट पर्सन है जो अपनी लाइफ सेम वे में पूरे दिन जीता आ रहा है हर रोज वही सब चीजें रूटीन में वो करता आ रहा है रूटीन में मतलब कि उठा आ, काम पे गया ईद लिखाई दारू पिया बियर पिया और वापस सो गए वही सब चीज़ें रूटीन चलती आ रही है उसकी उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए ना तो वो लव या केयर ऐसी कोई चीज़ें उनके लाइफ में देखने को नहीं मिलती किसी एक दिन लेबरा डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है अब उसके बाद में क्या होगा चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है आगे वो फिल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है उसका मेन रीज़न क्या है एग्जैक्टली exactly चार्ली के साथ हुआ क्या है वही सब सवाल के जब फिल्म की कहानी बनाती है अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के इमोशनल सीन्स का काफ़ी हेवी है काफी बेहतरीन है रक्षित सेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है उनका एरोगन पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नजर आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन प्रेजेंस डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नजर आ रहे थे वो भी सहा ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नजर आया राजवीर सेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे उनका किरदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है वो बढ़िया तरीके से चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आती है इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षय सेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है स्टोरी के वाइज देखे तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा स्टोरी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है थोड़ी खींची हुई नजर आती है संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं जो सेकंड हाफ में कुछ सीन्स आपको इन लॉजिकली भी देखने को मिलेंगे उसको भी सुधारा जा सकता था डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से फिल गुड इमोशनल स्टोरी नेरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मजा देगी वहाँ पर आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे एक मैसेज अच्छा मिलेगा साथ ही में कॉमेडी फिल्म की अच्छी है जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता तो फिल्म करीबन ढाई सवा दो घंटे की होती दो घंटे बीस पच्चीस मिनट की तो यह फिल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती पंद्रह बीस मिनट जितना कम से कम फिल्म को कम किया जा सकता था इसके अलावा फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था नोबिल फोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ इमोशनल कॉमेडी ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी कुल मिला बात करें तो ट्रिपल चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे काफी बढ़िया-बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है जो लोग ब्लोव करते पेट्स को लव करते या इस फिल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे यानी कि कुछ सीन्स फिल्म के हैं लंबे खींचे हुए उसको आप इग्नोर करोगे तो ये फिल्म काफी बेहतर है ऑफ जरूर पसंद आने वाली है फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था जहाँ पे फिल्म को एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज 2 जून 2022 को दी गई थी किस इंडियन सिटीज़ में जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को जिनके पास पेट है उनके लिए जहाँ पे दिल्ली अमृतसर जयपुर मुंबई कोची चेन्नई पुणे में रखी गई थी 6 जून को हैदराबाद अहमदाबाद नागपुर सोलापुर तिरुवत्तमपुरम वाराणसी और कोयंबटूर में रखी गई थी वहीं पे कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी तो इस तरह से अलग अलग दिन के ऊपर फिल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज रखी गई थी जिसके चलते एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और दस जून को जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई और फिल्म को का सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पिन इंडिया फिल्म के हिसाब से लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सभी लैंग्वेजेस में जहां पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था 15000 वोट आईएमडीबी पे मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल थी जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफी लंबा रन लिया 50 दिनों से ज्यादा का लंबा रन लेने के बाद फिल्म ने करीबन 20 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो हंड्रेड करोड़ करने वाली रक्सी शेट्टी के करियर की पहली फिल्म साबित हुई साथ ही में कनाडा इंडस्ट्री की जब ये फिल्म रिलीज़ हुई उस टाइम की पाँचवीं ऐसी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई जिसने कनाडा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो जहाँ पे पाँचवीं ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो इतनी बढ़िया तरीके से फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फिल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के अब हम ओ के ऊपर बातचीत करें सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइड्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है तो वोट वालों ने इस फिल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज के अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं जहां पे उन्होंने सभी वर्जन को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्स अवेलेबल किया हुआ है तो ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे कन्नडा मेन लैंग्वेज है बाकी सभी डब्ड वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी हो तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी ट्रिपल सेवन चार्ली जो 2022 की पेन इंडिया कन्नडा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इसे एक पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था जहाँ पे कन्नडा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम इन सभी वर्जनस में फिल्म को डब्ड किया गया है इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के राजबी सेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए हैं वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली इसके अलावा रक्षित सेट्टी संगीता श्रृंगेरी राजबी सेट्टी दनिश सेठ सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सारवरी बॉबी सिम्हा एच जी सोमेश्वर राव भार्गवी नारायण गोपाल कृष्णन देश पांडे दिनेश मंगलोर अभिजीत महेश अनिरुद्ध महेश विजय विक्रम सिंह बेंगलुरु नागेश सलमान अहमद हारिनी सिद्धार्थ भट्ट परणिया पी राव धनराज शिव कुमारन और किरण राज की के एकाएक केमियोपीरियंस है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात कर लेते फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी किए हुए अरविंद कश्यप ने एडिटिंग की हुए प्रतीक सेठ्टी ने जहाँ पे फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है एक मिनट यानी कि यह फिल्म दो घंटे चौवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिले मिलेगी वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पोल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा जहां पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रेक है उसके राइट्स परम म्यूजिक और डिवो के पास है सभी वर्जन के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे जी गुप्ता और रक्षित सेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्ज़न में पृथ्वीराज सुकुमार ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वहीं पे हिंदी वर्जन को यूएफओ एफ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कार्तिक सुब्बा ने इस फ़िल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स ख़रीदे हुए थे डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स इसके अलावा कन्नडा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फ़िल्म को और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते वन ऑफ द हाइस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कनाडा इंडस्ट्री की इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस, इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बातचीत प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर सितंबर 2017 में रक्सी शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवार स्टूडियो के नीचे जो उनका ही बैनर है उसका नाम था ट्रिपल सेवन ली जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ सेट्टी की रिक्की और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर वही इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका और रक्षित शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साथ ही में उन्होंने पहली बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नडा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है जो इमोशन है जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी जहाँ पे लेबरा डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है नाम दिया हुआ है चार्ली उसको करीबन तीन तीन वीक की ट्रेनिंग दिया दिलवाई गई थी और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नजर आए तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी जहाँ पे कई अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था संगीता श्रृंगेरी तानिस जेड बॉबी सिम्हा ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन सत्ताईस सौ जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू राजबी शेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई दो में ज्वाइन किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कनाडा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका केम्यो अपीरेंस देखने को मिलेगा फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो आठ जून 2018 को स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म के साथ अवनय श्रीमान नारायणा कर की एक फिल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पिन इंडिया फिल्म ही थी उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेश मैसूर बेंगलोर अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी शूटिंग को कंप्लीट करवाया कर हुआ है इसके अलावा फिल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था उन्होंने सिरम नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो सभी चीज़ों को मोन्टास शोट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सिट्टी के बीच के जो कनेक्शन है बॉन्ड है उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था इस फिल्म की शूटिंग गोवा गुजरात राजस्थान पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म को मार्च दो तक करीबन सौ दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी कोविड नाइन्टीन की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा उसके बाद छः सात महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर दो को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था था। उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था सिक्वेंस को कुछ सिक्वेंस को वहां शूट किया गया था जो शूटिंग है बीस नवंबर दो में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर दो सॉरी दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्षित शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार बार डिले हो रही थी फिल्म की शूटिंग कई जगह पर रिज्यूम करने के लिए बार बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजंस के चलते अनप्लेसेंट वेदर वेदर के चलते काश्मीर की शूटिंग बार बार डिले हो रही थी और इसी रीजन के चलते फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था पूरी फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करने में करीबन एक दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल्स कैन क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में एक दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कराना करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में पच्चीस अक्टूबर दो आ चुका था तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड नाइन्टीन की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी रुकी हुई थी तो अलग अलग रीजन के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा फिर से रिज्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर दो तक कंप्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे उनतीस जनवरी दो को इस फिल्म के प्रोडक्शन का, का काम करीबन नाइन्टी कंप्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे में फ़ास्ट चल रहा था जिसके चलते फिल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है करीबन 200 सौ वॉयज़ ओवर आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है पचास कैरेक्टर्स के, के लिए पाँच लैंग्वेज के लिए तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मिल पाए वही वजह से फिल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन प्रोड� में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था इस फिल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था जहां पे ये फिल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में पोस्टपोन की गई म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल पाँच गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में जहाँ पे कनाडा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है बाकी सभी चार लैंग्वेज में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है तो कनाडा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने सिंग थे विजय प्रकाश दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए पॉइंट पोई ने जिसके सिंगर है धीति लोधितकर तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने सिंगर है जेसी गिफ्ट और यहाँ यहीं पे चौथा गाना है सहापाती जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने वहीं पे उसके गा सिंगर है अरणा सेट्टी पूजा राव मेघना कुलकर्णी और जोशी इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नगा शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवाने तो इस तरह से टोटल पांच गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है वहीं पे बाकी सभी वर्जन में चार चार सॉन्ग्स थे तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है जिसके राइट्स परमवास म्यूजिक और डिवो के पास है ये इन गानों को 2020 से 21 में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज किया गया था तो फिलहाल मैं आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ट्रिपल सेवन चार्ली के नाम से सुन सकते हो परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं चार्ली जो लेबरा डोग इस फिल्म में किटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संगीता श्रृंगेरी ने देवी का आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है राजवीर शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया है। सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग डोगलवर का रोल दिया गया एच जी सोमेश्वर को टी स्टॉल ओनर का रोल दिया गया भार्गवी नारायण को टी स्टॉल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कृपा कर का रोल प्ले किया हुआ है जो धर्मा के कलीग है दिनेश मैंगलोर ने इस फिल्म में एस आई रंजन का रोल प्ले किया हुआ है अभिजीत महेश ने कंपाउंडर का रोल प्ले किया हुआ है अनिरुद्ध महेश को उत्तम का रोल दिया गया था दो धर्मा के कलिगे विजय विक्रम सिंह इस फिल्म में मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर दिखाई देंगे वहीं पे बेंगलुरु नागेश को धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है परणिया पी राव ने धर्मा की सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ धनराज शिव कुमार ने विकी का रोल प्ले किया हुआ है किरण राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने नॉर्थ इंडियन होटल ओनर का एक दिया हुआ है तो इतने आर्टिस्ट जिन्होंने इन सभी किरदार में काम किया हुआ है इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो धर्मार यानी कि रक्सी शेट्टी जो एक इमोशनल लेस्ट पर्सन है जो अपनी लाइफ सेम वे में पूरे दिन जीता आ रहा है हर रोज वही सब चीजें रूटीन में वो करता आ रहा है रूटीन में मतलब कि उठा आ, काम पे गया ईद लिखाई दारू पिया बियर पिया और वापस सो गए वही सब चीज़ें रूटीन चलती आ रही है उसकी उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए ना तो वो लव या केयर ऐसी कोई चीज़ें उनके लाइफ में देखने को नहीं मिलती किसी एक दिन लेबराडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है अब उसके बाद में क्या होगा चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है आगे वो फिल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है उसका मेन रीज़न क्या है एग्जेक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म के इमोशनल सीन्स काफ़ी हेवी है काफी बेहतरीन है रक्षित शेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है उनका एरोगन पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है अपने करियर का वन ऑफ़ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए तो नजर आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन प्रेजेंस डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नजर आ रहे थे वो भी समझ ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नजर आएगा राजबीर शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे उनका केदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है वो बढ़िया तरीके से आ, चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में आ, धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नज़र आती है इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षय शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है स्टोरी के वाइज देखे तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा स्टोरी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म क्या होने वाला है लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है थोड़ी खिंची हुई नजर आती है संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं जो सेकंड हाफ़ में कुछ सीन्स आपको इन लॉजिकली भी देखने को मिलेंगे उसको भी सुधारा जा सकता था डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से एक फिल गुड इमोशनल स्टोरी नेरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मजा देगी वहाँ पे आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे एक मैसेज अच्छा मिलेगा साथ ही में कॉमेडी फिल्म की अच्छी है जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो सभी चीजें आपको पसंद आएगी लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता तो फिल्म करीबन ढाई सवा दो घंटे की होती दो घंटे बीस पच्चीस मिनट की तो ये फिल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती पंद्रह बीस मिनट जितना कम से कम फिल्म को कम किया जा सकता था इसके अलावा फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था तो कई सीन जो खींचे हुए नजर आ रहे थे उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था नोबिल फोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ इमोशनल कॉमेडी ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी कुल मिला बात करें तो ट्रिपल सेवन चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे काफी बढ़िया-बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है जो लोग लव करते पेट्स को लव करते या इस फिल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे यानी कि कुछ सीन्स फिल्म के हैं लंबे खींचे हुए उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फिल्म काफी बेहतर है आपको जरूर पसंद आने वाली है फिल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था जहाँ पे फिल्म को एक लिमिटेड थिएटर थिएट्रिकल रिलीज 2 जून 2022 को दी गई थी इक्कीस इंडियन सिटीज़ में जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को जिनके पास पेट है उनके लिए जहाँ पे दिल्ली अमृतसर जयपुर मुंबई कोची चेन्नई पुणे में रखी गई थी 6 जून को हैदराबाद अहमदाबाद नागपुर सोलापुर तिरुवंतपुरम वाराणसी और कोयम्बतूर में रखी गई थी वहीं पे कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी तो इस तरह से अलग अलग दिन के ऊपर फिल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज रखी गई थी जिसके चलते एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और दस जून को जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फिल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई और फिल्म को का सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था फिल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पेन इंडिया फिल्म के हिसाब से लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सभी लैंग्वेजेस में जहाँ पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था पंद्रह हज़ार वोट आई एम डी बी पे मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई दस में से इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल थी जहाँ पे बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया पचास दिनों से ज़्यादा का लंबा रन लेने के बाद फिल्म में करीबन 20 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो 100 करोड़ करने वाली रक्सी सेटिक के करियर की पहली फिल्म साबित हुई साथ ही में कनाडा इंडस्ट्री की जब ये फिल्म रिलीज हुई उस टाइम की पांचवीं से हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई जिसने कनाडा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो जहाँ पे पांचवी ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है तो इतनी बढ़िया तरीके से फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फिल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के अब हम ओ के ऊपर बातचीत करें सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट्स है वो वोट सिलेक्ट के पास है तो वोट वालों ने इस फिल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए जहाँ जहां पे उन्होंने सभी वर्जन को उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म आपको हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम ये सभी वर्जन में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहां कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है बाकी सभी डब्ड वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रिपल सेवन चार्ली फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी हो तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो बस गए फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी कौन से वर्जन में उसकी डिटेलिंग दे दी है इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है फिल्म का एक रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन की हुई है इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट का भी एक रिव्यू दिया हुआ है स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में भी बातचीत की हुई है साथ ही में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू